अस्सलाम वालेकुम क्लासिक, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान यानी ईमान से मुराद क्या है, ईमान का माना और मफहूम, ईमान के तकाजे, किस चीज पर ईमान लाना जरूरी है यानी अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, इमाम इल्हामी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अच्छी या बुरी तकदीर पर ईमान, ये सब जो है ईमान के अज्जा हैं। फिर तौहीद का माना और मफहूम, तौहीद के तकाजे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईमान का माना और मफहूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। ईमान का माना और मफहूम, ईमान से मराद मान लेना, तस्लीम करना या यकीन करना है। इस्लामी ईमान का लफ्ज दिलो जान से अल्लाह ताला की वहदानियत यानी अल्लाह ताला को एक मानो और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानने और इनकी तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं यानी अल्लाह ताला को एक मानते हैं, अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, सिर्फ अल्लाह ताला को ही इबादत के लायक समझते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला का आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकाम पर अमल करने को ही निजात का वाहिद ज़रिया समझते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं। एक मोमिन तौहीद और रसालत के अलावा फरिश्तों पर भी यकीन रखता है कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के मखलूक हैं, नूर से पैदा किए गए हैं और जो हैं वो अल्लाह ताला की अहकाम की तामील करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर इल्हामी किताबें भी नाजिल की। मोमिन इन किताबों के सच्चा होने पर भी यकीन रखता है, फिर इस दुनिया के बाद अपने आमाल की जवाबदेही के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश होने पर भी यकीन रखता है। ये चीज़ें भी ईमान में शामिल हैं। दुनिया में इंसान को अच्छी या बुरी तकदीर से वास्ता पड़ता है, इस बात पर यकीन रखना कि अच्छी तकदीर भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है और बुरी तकदीर भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। ये अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होना, यह भी ईमान के अज्जा में शामिल है। ईमान के तकाजे, ईमान किस चीज का तकाजा करता है? ईमान का तकाजा है कि इंसान दिल से यकीन रखते हुए अपने अकवाल और अफाल में भी इन तमाम चीजों की गवाही दे, इसके इखलाक और किरदार से इन चीजों की झलक नजर आए, यानी इंसान के अफाल और अकवाल से इन चीजों की झलक नजर आए। ईमान आने से इंसान में बेशुमार खूबियां हासिल करता है, आखिरत के अजर का दारोमदार भी ईमान पर है। ईमान इंसान को अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत और अता की तरगीब देता है। इंसान में नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत का जज्बा पैदा होता है। ईमान इंसान में हर्शनासी, वक्त की पाबंदी, एहसास जिम्मेदारी और जफाकशी जैसे सिफात पैदा करता है। ईमान इंसान को अल्लाह के यहाँ इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक बनाता है। फिर इंसान के अंदर ईमान से आजजी, इंकसारी, बुर्दबारी, इत्मीनान और हमदर्दी जैसे जज्बात भी ईमान से ही पैदा होते हैं। ईमान किस चीज पर ईमान लाना, इन तौहीद, पहली चीज तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना, तौहीद का माना मफहूम, तौहीद वाहिद से अख़्ज़ किया गया है यानी उहद से लिया गया है। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानना और उसकी सिफात में किसी भी गैर को शरीक न करना, ये तौहीद कहलाता है। फिर अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत इसी अकीदे की है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम इसी की तालीम लेकर दुनिया में आए। कुरान मजीद में भी कई मकामात पर जो है अल्लाह ताला ने तौहीद की तालीम दी, उसी मकामात पर अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ليس كمثله شيء کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے توحید کی مثال کہ ليس كمثله شيء کہ اللہ تعالی جیسی کوئی شے نہیں ہے قال الله تعالى وإلهكم إله واحد کہ اے لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے اسی طرح मुख्तलिफ बाकी मकामात पर भी कुरान करीम में तौहीद की तालीम दी गई है। सूरत इखलास में बड़ी वजाहत से तौहीद को बयान किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ रसूल आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है,
वो बेनियाज है, किसी की कोई परवाह नहीं है उसको, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, कोई भी इसकी बराबरी करने वाला नहीं है। तो फिर से मराद ये है कि अल्लाह ही इस कायनात को खालिक को मालिक है, इन तमाम इस कायनात को पैदा करने वाला, इसको जलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कायनात का तमाम निज़ाम अल्लाह ताला ही के कब्जे में है, वही सबको रिस्क देने वाला है, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला है, अकेला ही वो सबकी हाजतें सबकी जरूरतें पूरा करता है। हमारी जिंदगी और हमारी मौत अल्लाह ताला ही के हाथ में है, हमें वही जिंदगी देता है वही हमें मौत देता है। तौहीद किस चीज का तकाजा करता है? तौहीद, अकीदा तौहीद का तकाजा है कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए, अपनी जरूरतें अपनी हाजतें अल्लाह ताला ही के सामने पेश की जाए, इसके सिवा किसी का खौफ दिल में ना रखा जाए और जिंदगी अल्लाह ताला के काम के मुताबिक गुजारी जाए। अकीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, रजा पर राजी रहता है, ये मुसलमानों के अंदर जुर्रत बहादुरी सब्र कनात पसंदी और तफक्कुर जैसी सिफात पैदा करता है। इंसान मुसीबत के वक्त घबराता और परेशान नहीं होता और अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहता है। अकीदा तौहीद इंसान में मसावात अहुवत हमदर्दी और भाईचारे जैसे जज्बात पैदा करता है। इससे इंसान में गुरूर और तकब्बर पैदा नहीं होता और वो आजी और इंकसारी का नमूना बन जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, अल्लाह ताला पर ईमान, हमें किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। इस पूरे टॉपिक में अहम अल्फाज जो थे वो तस्दीक, तस्लीम, अकवाल व अफ़ाल, परशनासी, जफाकशी, बुद्धबारी, वक्तन, कनात पसंदी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तौहीद क्या है, तौहीद के तकाज़े हमने पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।